नमस्कार दोस्तों, और आज हम आए हैं प्रिंस होंडई धार, और यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं होंडई क्रेटा का। तो इसका मैं आपको चारों ओर से एक लुक दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसके डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा कैसे क्या इसका डिज़ाइन और कैसी क्या लगती है होंडई की क्रेटा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो इसका आप एक चारों ओर से एक लुक ले लीजिए, जिससे आपको इसके डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा। और इसके स्टार्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 9,50,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है, और 15,17,000 रुपये तक इसका जो है टॉप एंड वेरियंट जाता है। इसमें आपको सिल्वर, ऑरेंज, स्टारडस्ट, ब्लू, रेड, ब्लैक और वाइट कलर आप देख ही रहे हैं। 55 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा, और 400 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। तो यह इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं आप। होंडे का जो ग्रिल है वो मिलता है आपको, और यहाँ पे होंडे का लोगो मिल जाता है आपको साथ में। ब्रेक जो ब्लैक ग्रिल है काफ़ी शानदार लग रहा है, और यहाँ पे ड्यूअल टोन में आपको बम्पर देखने को मिलता है। इसी के साथ में हम चलते हैं इसके हेडलाइट की तरफ। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल हेडलैम्प्स मिलते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉग लैम्प, और इसके साथ में LED DRL दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए आप, तो दो वाइपर दिए गए हैं आपको। तो ओवरऑल इसका फ्रंट लुक है वो काफ़ी शानदार है और अट्रैक्टिव है ये। अब इसके साइड लुक की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आप, तो 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको, और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं यहाँ पे आपको। और ये देख सकते हैं आप, ये बॉडी प्रोटेक्टर दिया गया है, और साइड बीडिंग भी देखने को मिलेगी आपको इस गाड़ी में, जो कि बहुत ही बढ़िया है स्क्रेच से बचाने के लिए। और ये ORVM LED इंडिकेटर के साथ में ड्यूअल टोन में, और ये काफ़ी बड़े हैं देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए आप, तो बॉडी कलर के डोर हैंडल मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे देखेंगे आप, तो रूफ रेल्स दिखे आपको सिल्वर कलर की, और ये इसका रियर व्हील। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और रियर की तरफ चलते हैं इसका, तो ये है इसका रियर लुक, काफ़ी शानदार एंड अट्रेक्टिव लुक मिलता है आपको इसमें। और नॉर्मल टेल लैम्प्स मिलते हैं आपको इसमें, देख सकते हैं आप, LED नहीं है इसमें। और यहाँ पे देखेंगे आप, तो क्रेटा की बेजिंग मिल जाती है आपको, और ये होंडे का लोगो, और S मॉडल है ये। और यहाँ पे देखिए आप, तो रियर डिफोगर दिया गया है, और हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और एंटीना भी दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप, तो रियर रिफ्लेक्टर दिया गया है, और रियर का भी बम्पर जो है आपको ड्यूल टोन में मिलता है, और रियर पार्किंग सेंसर भी इसमें आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा देख सकते हैं आप। और ये इसका एग्जॉस्ट पाइप, तो अब इसका जो है हम बूट भी देख लेंगे खोल के, कैसा क्या इसका कितना क्या बूट स्पेस मिलता है आपको। तो खोल लेते हैं इसको, और यहाँ पे देखेंगे आप, तो 400 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे आपको लाइट भी दी गई है एक, और यहाँ पे देखेंगे आप, तो टूल किट मिलता है आपको, और फर्स्ट एड किट भी मिल जाता है। और इसको अगर उठाए थे हम यहाँ से, तो इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, तो काफ़ी बड़ा इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पे देखिए आप, तो रियर पार्सल ट्रे भी दी गई है। तो अभी बूट को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए आप, तो फ्यूल टैंक ओपनर दिया गया है। और अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसका इंजन। तो अभी इसको बोनट को खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, तो 4 सिलेंडर का आपको 16 वेल्व का CRDI 1396 CC का डीजल इंजन मिलता है, जो कि मैक्स पावर देगा आपको 90 PS की 4000 RPM पे, और इसमें आपको 18 का माइलेज देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और चलते हैं अब इसके इंटीरियर की तरफ, देख लेते हैं इसका कैसा क्या इसका इंटीरियर दिया गया है। तो ये इसकी की लॉक अनलॉक और बूट के लिए बटन दिया गया है यहाँ पे, तो अभी खोल लेते हैं इसको। और ड्राइवर साइड डोर दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये है ड्राइवर साइड का डोर देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे देखेंगे आप, तो ORVM के कंट्रोल दिए गए हैं,
और यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, और लॉक अनलॉक के लिए बटन दिया गया है, और यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे बोतल होल्डर और स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, और यहाँ पे इसको फ्लैट नहीं है, और ये है फ्रंट सीट्स का लुक, और यहाँ पे देखिए आप तो ये है डैशबोर्ड का लुक, और यहाँ पे देखिए आप तो ये है सीवेंट्स, और यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग के लिए स्विचेस दिए गए हैं, और ये पेडल्स देख सकते हैं आप, और यहाँ से जो है बोनट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा क्या दिया गया है। तो पहले मैं आपको इसका पूरा जो है एक लुक दिखा देता हूँ इंटीरियर का, जिससे आपको इसके डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा कैसा क्या इसका इंटीरियर का डिज़ाइन लग दिया गया है। और ये इसका सेंटर कंसोल, आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको बीच में। तो अभी चलते हैं स्टेयरिंग की तरफ, तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग मोटर कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पे देखें आप तो सिल्वर इंसर्ट्स भी दिए गए हैं, और एयरबैग की बेजिंग भी मिल जाती है आपको, स्टेयरिंग मोटर कंट्रोल मिलते हैं इसमें आपको। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं आप, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, और बीच में MID मिलता है जो कि कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा, और काफ़ी विजिबिलिटी के साथ में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है। और यहाँ पे देखिए आप तो ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करेगा USB, AUX, FM रेडियो, ब्लूटूथ, और इसमें आपको टोटल 6 स्पीकर मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया है ये। और यहाँ पे देखिए आप तो AC कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इसके नीचे आप देखेंगे तो फास्ट चार्जिंग दिया गया है आपको, और एक साथ में USB मिलता है, और स्पेस मिल जाती है कुछ। और ये है इसका 6 स्पीड का गेयरबॉक्स, यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलेंगे आपको, और यहाँ पे 2 कम्फर्ट होल्डर दिए गए हैं, और हैंड ब्रेक लीवर में भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी। और ये आर्मरेस्ट इसके नीचे हम यहाँ पे खोलेंगे तो इसके नीचे भी आपको स्पेस मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप काफ़ी डीप स्पेस मिल जाती है इसमें आपको, तो काफ़ी बढ़िया फीचर है ये भी। और इधर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको जो है हेडरेस्ट मिल जाती है एडजस्टेबल, और इसमें आपको कुशन काफ़ी बढ़िया मिलती है, और फैब्रिक अपोस्टी मिलती है देख सकते हैं आप, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पे देखें आप तो वेनिटी मिरर मिल जाता है आपको, और यहाँ पे लाइट मिल जाती है, सन गॉगल होल्डर मिल जाता है यहाँ पे आपको, और ड्राइवर साइड देखेंगे आप तो यहाँ पे नहीं मिलता है आपको, टिकट होल्डर मिल जाता है केवल। और ये इसका रियर व्यू मिरर, मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये इसका ग्लो बॉक्स, और यहाँ पे देखेंगे आप तो एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है आपको। तो काफ़ी बढ़िया इसका इंटीरियर है, और ये ट्विटर्स देख सकते हैं आप दरवाजे पे दिए गए हैं। अभी इसका पीछे का लुक दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे की सीट्स कैसी दिखती है ये देख लीजिए पीछे की सीट्स, और इसके बाद हम चलते हैं इसके पीछे के डोर की तरफ। तो ये है इसका रियर डोर देख सकते हैं आप, सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं यहाँ पे भी, पावर विंडो कंट्रोल और बोतल होल्डर दिया गया है यहाँ पे भी आपको, और ये देख सकते हैं आप रियर सीट्स का लुक। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, काफ़ी बढ़िया लुक मिल रहा है यहाँ से आपको, और यहाँ पे हेडरूम नीरूम की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे देखें आप तो 2 AC मैट्स दिए गए हैं आपको कंट्रोल के साथ में, और 12 V का पावर सॉकेट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और सीट के पीछे स्पेस मिल जाती है आपको, यहाँ पे लाइट दी गई है, और यहाँ पे हैंडल दिया गया है हुक के साथ में, और ये हेडरेस्ट देख सकते हैं आप रियर की, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। अभी इसको मैं खोलता हूँ, ये देख सकते हैं आप, और 2 कवर होल्डर मिल जाते हैं इसमें आपको, और रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।
और इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, HIV बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको इसमें, आपको एयरबैग मिल जाएगा, ABS विथ EBD मिल जाएगा, और रियर पार्किंग सेंसर एंड कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट सीट बेल्ट स्ट्रेटनर मिल जाएगा, आइसोफिक्स मिल जाएगा, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक मिल जाएगा, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिल जाएगा, रियर डिफोकर मिल जाएगा टाइमर के साथ में, और इमोबिलाइजर आपको इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों कैसी क्या लगी आपको होंडा क्रेटा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फुल डिटेल रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं और धार के आसपास से हैं तो प्रिंस होंडा इंदौर अहमदाबाद रोड त्रिमूर्ति नगर धार, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको पंकज जी अग्रवाल मिलेंगे, उनसे आप संपर्क करें, वो इसकी आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको नंबर दिखा देता हूँ, तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई कार के साथ में। थैंक यू।